हेलो माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर बुक स्नैप हाँ सो आई थिंक यू विल ग्रेस्प व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू ठीक है तो आज मैं आपको स्नैप का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है द समर ऑफ़ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको और केवल एक ही बात कहूँगा कि यदि आप इसको लगातार मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहेंगे सुनते रहेंगे मुझे तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े आराम से जो भी इसमें कंटेंट है उसको बहुत आराम से समझेंगे तो सबसे पहले और एक बात और है यदि आपको वीडियो पसंद आती है यदि मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ इस बात को कि यदि आपको पसंद आए तभी इसको आप पूरी को देखना और सब्सक्राइब करना शेयर करना अपने फ्रेंड से भी बोलना यदि आपको पसंद आती है नहीं आती है तो कोई बात नहीं वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको समरी बता दूं चैप्टर की कि इसमें दो भाई हैं दो भाई दो लड़के मान लीजिए हाँ जो कि एक कबीला है आर्मीनिया का एक कबीला उसमें रहती हैं वो दोनों दोनों भाई और ये कबीला अपनी ईमानदारी और अपनी विश्वसनीयता के लिए ईमानदारी ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी के लिए विख्यात था और इन दोनों का नाम बच्चों का नाम एक का नाम था अरम और एक का नाम था मुराद हाँ ठीक है तो वैसे ये दोनों भाई सगे भाई नींद थे ये कजिन ब्रदर थे तो आ, मुराद जो था वो बड़ा था और अरम छोटा था अरम वास्तव में ही बहुत ईमानदार था था ईमानदार मुराद भी लेकिन वो थोड़ा सा सनकी था सभी लोग उसकी सनक के लिए उसे जानते थे तो एक दिन जब ये आराम सो रहा था तो मुराद ने खिड़की पर उसको खटखटा दिया जब उसने देखा तो वो एक साथ भौचक रह गया आ, टेकन अबैक इवन स्टेंड क्यों क्योंकि वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था कौन बैठा हुआ था आराम बैठा हुआ था कहीं से ले आया था उसने पूछा चोरी करके लाया कि नहीं है चोरी नहीं है फिर बोला फिर खरीद के लाया कि नहीं ख़रीद के भी नहीं लाया तो फिर क्या है चोरी नहीं है तो तो कहता है कि यार किसी के घोड़े आदि पर बैठ लेना कोई चोरी है उस पर बैठ करके सवारी कर लो तो ये कोई चोरी है चोरी तो वो होती है हम किसी का सामान चुरा लें या किसी के घोड़े को चुरा करके उसको बेच दें तो वो चोरी मानी जाएगी ये चोरी नहीं है खैर कुमरा करके बात ये को आपस में इस तरह की बातें होती रही कहने लगा कि यदि ठीक है तो तुझे आना या नहीं आना उस पर सवारी करने के लिए तो वो तैयार हो जाता है और फिर काफ़ी देर तक कहने का मतलब घूमते फिरते रहते हैं और जो उसका वास्तव में मालिक था उनसे भी उनकी मुलाकात होती है मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको और लास्ट में क्या होता है कि उन्हें उस घोड़े को लौटाना पड़ता है क्यों क्योंकि वो वास्तव में ईमानदार थे उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उस घोड़े को ले लें जबरदस्ती रख लें या उसको बेच दें केवल उनका इरादा क्या था इस घोड़े पर थोड़ी सी सवारी कर ली जाए केवल इस इरादे के साथ उन्होंने घोड़े को उसको लिया था तो अब लाइन टू लाइन इसके अर्थ को चलते हैं इसका मीनिंग देखते हैं लाइन टू लाइन वन डे Back there in the good old age when I was nine, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at four in the morning and awoke me up. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम एक ही सेंटेंस है पूरा सेंटेंस एक है ये गौर से देखो इसको खैर चलिए देखते हैं तो कहता है कि एक दिन बहुत पुराने समय की बात है जब मैं केवल वैन आई वाज नाइन जब मैं केवल नौ वर्ष का था और ये जो संसार है द वर्ल्ड वॉज़ फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस और ये संसार मेरे लिए हर प्रकार की मैग्निफिसेंस मानी भव्यता से भरपूर था और मेरे लिए जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमयी सपना था सुखद डिलाइटफुल रहस्यमय एक सपने की तरह था तो मेरा भाई मुराद जिसे लोग कभी सन किया पागल भी कहते थे और केवल मैं ही नहीं कहता था वो न्यू हिम एक्सेप्ट मी केवल ऐसा नहीं कि मेरे मुझसे जो केवल मुझे ही जानने वाले थे वो ही कहते थे केम टू माई हाउस एट फोर इन द मॉर्निंग वो सुबह सुबह चार बजे मेरे घर आया उसने मुझे एंड वोक मी अप मुझे जगाया कैसे जगाया टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम मेरी विंडो रूम uh, की विंडो को खटखटा करके टैपिंग करते हुए आराम ही साइड उसने कहा आराम आई जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट द विंडो मैं एक शख्स बिस्तर से उछल कर खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर झांक करके देखा आई कूडेंट बिलीव वट आई सो और जो मैंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका इट वॉज एंट मॉर्निंग एट अभी सुबह भी नहीं हुई थी प्रातः भी नहीं हुई थी बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रैक नॉट मैनी मिनट्स around the corner of the world it was light enough for me to know i wasn't dreaming to so, ड्रीमिंग uh, तो सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी लेकिन ग्रीष्म ऋत्यु थी गर्मी का मौसम था और uh, सुबह कुछ ही मिनटों में होने वाली थी संसार के कोने कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था जिससे मैं खुद यह महसूस कर सकता था खुद यह अंदाज़ा लगा सकता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं आई स्टक सॉरी माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था सवार था उस पर आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रवड माई आइस मैंने खिड़की के बाहर सिर निकाला और आंखें मल करके देखी यस ही सैड इन आर्मेनियन उसने आर्मेनियन भाषा में कहा हाँ इट्स ए हॉर्स अरे घोड़ा आई ये यू आर नॉट ड्रीविंग तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड है कि यदि तुम सवारी का मजा लेना चाहते हो तो जल्दी करो निकल कर क्या हो आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बींग आई लाइव मोर देन एनी बडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव तो मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था और ऐसे में इस संसार में ऐसी व्यक्ति जो संसार में गलती से आ गई थी क्या had ever इन टू द वर्ल्ड by मिस्टेक जो गलती से संसार में के थे बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव पर इस समय का दृश्य तो बहुत ही अविश्वसनीय था विश्वास करने से और अधिक दूसरी ओर था तो इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लिएस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड तो पहली बात तो यह है कि मेरी जो सबसे पुरानी जो स्मृतियाँ थीं जो याददाश्त जो थी वो घोड़ों से जुड़ी हुई थी और मेरी जो पहली तमन्ना जो थी वास्तव में जो लॉन्गिंग माने तमन्ना एक जिसको बोलते हैं जो पहली तमन्ना थी वो क्या थी हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइट घोड़े की सवारी करनी थी तो इस वास्तव वंडरफुल पार्ट और यह एक विस्मयकारी बात थी मेरे लिए वंडरफुल विचित्र बात थी इन द सेकेंड प्लेस और दूसरी बात क्या थी वी वर पुअर हम गरीब लोग थे दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो और यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था हाँ इसका सीधा सा कारण था कि गरीबी में के कारण घोड़े को ले नहीं सकते हैं. तो ये कारण था कि जो मैं आराम से विश्वास नहीं कर पा रहा था वी वर पुअर गरीब थे हम वी हैड नो मनी हमारे पास पैसा कहाँ था धन कहाँ था नहीं था आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रकन हमारा जो सारा कबीला था जो हमारी जाति थी वो सब गरीबी से ग्रसित थी हमारा कबीला पूरी गरीबी से ग्रस्त था एवरी ब्रांच ऑफ द गैरो घलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड तो ये जो गरो घलेनियन परिवार की जो एवरी ब्रांच थी जो प्रत्येक शाखा थी वो बहुत ही अधिक आश्चर्यजनक ढंग से और हास्यास्पद तरीके से निर्धनता में गरीबी में समय व्यतीत कर रही थी नो बडी कूड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर वैलीज नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली तो कोई भी इस बात को नहीं समझ पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था किसी को नहीं पता था परिवार के इवन वृद्ध लोग भी इस बात को नहीं जानते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक इलेवन सेंचुरीज इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड तो कहता है कि कई शताब्दियों से हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे और फिर क्या था कई शताब्दियों से फॉर मैनी सेंचुरीज हाँ कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे उस समय में भी जब हमारा सारा परिवार है बहुत ही संपन्न परिवार था वेल्दी थे हम लोग हम लोगों को एक बात और थी कि हम सभी बहुत ही वेल्दी थे वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग तो सबसे पहले हम लोगों को गर्व होता था ईमानदारी हमारे लिए दूसरे दर्जे की थी कहने का मतलब दूसरे प्रायोरिटी पर ईमानदारी आती थी इसके पश्चात हम लोग उचित अनुचित सही गलत में भी विश्वास करते थे हाँ वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग उचित अनुचित कह लो सही गलत कह लो है वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन वर्ल्ड लेट अलोन स्टील तो कहता है कि चोरी की बात तो बहुत दूर है हम हम में से कोई भी संसार में किसी व्यक्ति से लाभ तक नहीं उठाता था, था कोई कहने का मतलब कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं लेता था तो चोरी की बात तो बहुत दूर की है कंसिक्वेंटली परिणाम क्या हुआ इवन दो आई कुड सी हॉर्स यद्यपि मैं घोड़े को देख पा रहा था सो so मैग्निफिसेंट इतना भव्य घोड़ा इवन दो आई कुड स्मेल इट और मुझे उसकी गंध भी आ रही थी है सो so लवली बहुत अच्छी थी इवन दो आई कुड हियर इट ब्रैथिंग उसके सांस लेते हुए की आवाज़ भी मैं सुन रहा था सो so एक्साइटिंग बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहा था उत्तेजक था आई कूडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली एसली और अवेक बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कूडंट हैव बॉट द हॉर्स एंड इफ ही हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट देखो कितनी बड़ी बात कह दी उसने है? उसने क्या कह दिया कि मैं फिर भी विश्वास इस बात का नहीं कर पा रहा था आई कू बिलीव कि ये जो घोड़ा है वो किसका है मुराद का है, है? अथवा मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का है इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली और अवेक सो सोए हुए अथवा नींद में सॉरी नींद में अथवा जगे हुए किसी भी स्थिति में यह असंभव था बिल्कुल असंभव था क्यों बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कूडेंट बॉट द हॉर्स क्योंकि इस बात को मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो है नहीं एंड इफ ही कूडेंट हैव बॉट इट और यदि इसने उसको खरीदा नहीं है तो इसे इट मस्ट हैव इट तो उसने चुराया होगा एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन और लेकिन ये बात मुझे विश्वास नहीं हो रही थी बिल्कुल भी कि उसने घोड़ा चुराया होगा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही थी नो मेंबर ऑफ द गैरो घलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ है गैरो घलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था आई स्टार्टेड एट माई कज़िन सॉरी स्टेयर्ड एट माई कजिन एंड देन एट हॉर्स मैंने पहले तो अपने भाई की ओर देखा घूर करके उसके बाद फिर घोड़े की ओर देखा देर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी तो क्या हुआ तो दोनों ने दोनों में एक प्रकार की एक तरह से निश्चलता और हास्यमयता थी जिससे एक ओर तो मुझे खुशी हुई डिलाइटेड दूसरी ओर मैं डर भी गया थोड़ी सी थोड़ा सा भय लगा फ्राइटेंड भी मुराद आई सेड मैंने कहा मुराद वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया बताओ मुझे लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड कहता है कि खिड़की में से छलांग लगा के आ जाओ मुराद बोला यदि तुम राइड करना चाहते हो उस पर सवारी करना चाहते हो इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज तो व बोला यदि सवारी करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ और उस समय यह सच था इट वॉज ट्रू उस समय यह सच था उसने घोड़ा चुराया था इस बात में कोई शंका नहीं थी वह मुझे उस आ, उस पर सवारी के लिए बुलाने आया था वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी खैर मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़े को चुराना तथा किसी अन्य चीज़ जैसे धन के लिए चोरी करना उसमें थोड़ी सी भिन्नता थी थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल और जहाँ तक मेरी जानकारी थी शायद यह चोरी थी ही नहीं ये चोरी नहीं थी इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर इट वॉजेंट स्टीलिंग है और कहता है कि यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या इतना दीवानापन है इतना क्रेजी सन है जितना मुराद में और मुझ में, तो इसे हम चोरी नहीं कह सकते हैं चोरी नहीं कहा जा सकता है इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी कुड नेवर डू कहता है कि इसे चोरी तो तब कहा जाएगा ये चोरी तब बन जाएगी जब हम घोड़े को बेच दें और हम ऐसा कभी भी करने वाले नहीं थे तो लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ साइड साइड मैंने कहा कुछ कपड़े तो पहन लेने दे मुझे ऑल राइट ही सेड उसने कहा ठीक है बट हरी लेकिन जल्दी करो आई लिफ इन टू माई क्लोथ्स बड़ी मैंने आंगन में छलांग लगाई बड़ी तेजी से मैंने झटपट कपड़े पहन लिए छलांग तो बाद में लगानी है मुझे आई जंप डाउन टू द्ड ए मैं आंगन में छलांग लगा लगाई और कहाँ से लगाई फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद है तो छलांग लगा करके अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया मैं दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू तब उस साल हम कहाँ रहते थे उन दिनों हम वॉलनट जो टाउन है उसकी सीमा पर रहा करते थे तो उसके एज किनारे पर मीन्स सीमा पर बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री हमारे पीछे ग्रामीण क्षेत्र था गांव थे वाइन यार्ड्स ऑर्च यार्ड्स एरीगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स हैं जिसमें क्या क्या सब कुछ था अंगूर तथा केलों के बाग थे जिसमें सिंचाई के लिए बने हुए गड्ढे थे और इधर उधर गांव में जाने वाली कंट्री रोड्स सड़कें थीं इन लेस देन थ्री मिनट्स वी वर ऑन ऑलि एवेन्यू एंड देन हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट हैं और कुछ समय में ही बहुत तीन मिनट से कम समय में आई हम लोग ओले एवेन्यू पहुँचे और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया ट्रॉट माने भागना होता है द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ है हवा में ताजगी थी सांस लेने में बड़ा आनंद आ रहा था द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल और दौड़ते हुए घोड़े की अनुभूति बहुत ही आश्चर्यजनक थी माई कज़िन मुराद Who was considered one of the craziest members of our family began to sing. और जो मेरा भाई जिसकी परिवार में सबसे अधिक सन की व्यक्तियों में गिनती की जाती थी वो अब गाना गाने लगा I mean he began to roar. मेरा कहने का मतलब है वो roar करने लगा means गर्जने लगा हाँ गाना उसका अच्छा नहीं होगा उसकी कौ कव, कौ जैसी आवाज़ होगी कधे जैसी आवाज़ होगी इस वजह से कह रहा है कि जो नायरेटर है जो उसका भाई है आरम जिसका नाम है खैर एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर तो हर परिवार में सन कीपन की एक धारा कहीं ना कहीं होती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें सन की जरूरत होता है एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक एन अवर ट्राइव और मेरा भाई मुराद कबीले में उसी सन कीपन की धारा का एक स्वाभाविक नेचुरल है डिसेंडेंट वंशज उसको माना जाता था बिफोर हिम वाज अवर अंकल खोसरोव। उससे पहले हमारे अंकल थे जिनका नाम क्या था खोसरोव अंकल था अंकल खोसरोव, एंड ए नॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हैड ऑफ ब्लैक हेयर बहुत ही भारी भरकम शरीर के नॉर्मस बड़े व्यक्ति थे जिनका बहुत ही भारी सिर था और उस सिर पर बहुत गहरे काले बाल थे एंड द लार्जेस्ट मॉस्टेस इन दैन जैकिन वैली मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर सो रिटेबल सो इम्पेसेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोअरिंग इट इज नो हार्म पे नो टू इट हाँ उनका एक ही वो होता था हाँ लेकिन सरक पर पहले बता दूँ सर पर काले बाल थे तथा जो सन जॉकिन वैली थी hmm? उसमें बड़ी बड़ी मूछे वाले थे वो और उनका क्रोध जो उनका क्रोध था मीन्स लिखा हुआ सो so फ्यूरियस बहुत ही क्रोधित व्यक्ति होते थे बहुत ही भीषण क्रोध वाले होते थे सो so इरिटेबल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और सो so इम्पेसेंट और इतना बेसब्री थे दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोअरिंग है कि वो अपनी बात को दहाड़ कर जो बोलते थे तो फिर किसी को नहीं बोलने देते थे और एक बार उनका एक उनका शब्द होता था एक लाइन होती थी इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट क्या कहते थे उनका एक तकिया कलाम था जिसको तकिया कलाम बोलते हैं व्यक्ति हर बात पर बोलता है कहते थे कोई बात नहीं है इस पर ध्यान मत दो कुछ भी हो जाए बस वो केवल यही कहते थे कि कोई बात नहीं है इस पर ध्यान मत दो व्हाट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट वह यही बोलते थे सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो लेकिन अंकल ऐसा ही बोलते थे वंस इट वॉज हिज ओन सन अर्क अरेक रनिंग एट ब्लॉक्स टू द बारबर शॉप वेयर हिज फादर वॉज फायर एक बार क्या हुआ देखो कितनी मज़ेदार बात है कि उनका बेटा अरक दौड़कर लगभग आठ मकानों को पार करके नाई की दुकान पर गया जहां वो अपनी ऊँचों को ट्रिम करवा रहे थे ठीक करवा रहे थे उसने बताया कि घर में आग लग गई है उसने क्या बताया कि द हाउस वाज ऑन फायर दिस मैन खॉर्स सेटअप इन द चेयर ये व्यक्ति खोस रॉफ हाँ, अर्थात उसके चाचा कुर्सी पर बैठे रहे और रोअर्ड और दहाड़ करके बोले क्या जो क्या तक यह कलाम बताया अभी इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट कहने लगा कोई बात नहीं है ध्यान मत दो उस पर द बार बार सेड तो नाई ने कहा बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर लेकिन बच्चा ये कह रहा कि आपके घर में आग लग गई है सो खोस रॉफ रोअर्ड है इट इज नो हार्म आई से इतने पर भी वो जोर से चिल्लाया कि काफ़ी हो गया खतरे की कोई बात नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान लो मई काज मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन तो मेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का अर्थात खौस का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता था वंशज माना जाता था ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब हालांकि मुराद के पिता का नाम जोराब था वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग हेल्स जो बहुत ही व्यावहारिक थे उसके अलावा और कुछ नहीं थे बहुत व्यावहारिक व्यक्ति थे दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब है दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब तो यह हमारे कबीले का हल था हमारे कबीले का यही हल था ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्प्रिट है कि व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे बेशक हो जाए पर इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उसकी मनोदशा का भी पिता हो है कहने का मतलब उसकी जो मनोदशा है जो उसकी मानसिक स्थिति है उसका भी पत, पिता बन जाए नहीं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वेगरेंट तो हमारी जनजातियों में जो प्रवृत्ति का शुरू से ही आवारा तथा मनमौजी किस्म का होना था अर्थात जो प्रवृत्ति थी वो हमेशा शुरू से ही आवारा और मनमौजी रही थी है क्या प्रिसियस आवारा और वेगरेंट कहते हैं मनमोजी के लिए ठीक है वी रोड एंड मैनी कजिन सॉरी वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग हा? तो कहता है कि हम सवारी हमने सवारी की और मेरे भाई मुराद ने गीत गाए गाने गाए फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू समर नेवर्स वी बिलोंग्ड तो यह सबको पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के हैं हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम वहाँ के मूल निवासी हैं वहीं के रहने वाले हैं वी बिलोंग्ड वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट राइक रनिंग तो हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेट अंत में मेरा भाई मुराद बोला गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड एलॉन नीचे उतरो मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ विल यू लेट मी राइड अलॉन आई आज तो मैंने कहा कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे दिस इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड गेट डाउन उसने कहा ये घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है मेरा भाई बोला लेकिन अब तुम उतर जाओ द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड तो मैंने कहा कि घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा तो वो कहने लगा वी विश सी चलो देखेंगे ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव वे विद ए हॉर्स लेकिन इस बात को मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू में करना अच्छे तरीके से आता है वेल आई सेड मैंने कहा ठीक है एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव हो क्या लगा कि यदि तुम्हारे तुम्हें तुम्हार आता है तो मेरे पास भी ऐसा हुनर यदि तुम तुम्हें घोड़ों को काबू में करना आता है तो मैं भी उन घोड़ों को काबू में कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन कहने लगा तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम उतर जाओ वो बोला नीचे उतर जाओ इसी में तुम्हारी सुरक्षा भी है ऑल राइट आई सेड मैंने कहा ठीक बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलॉन लेकिन याद रखो ए तुम्हें तो मुझे अकेले सवारी करने का मौका देना होगा आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किकड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड साउटेड वजीरे रन तो मैं उतर गया और मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई किक लगाई है और चिल्लाया दौड़ वजीरे वजीरे दौड़ द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स लेग्स घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया एंड बर्स्ट ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन और फुफकार करके पूरी गति से दौड़ा चला गया बहुत प्यारा लग रहा था जो मैंने इस तरह का कभी सीन देखा था माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स एक्रॉस ए फील्ड ऑफ ट्राई ग्रास टू एन इिगेशन डिच डिच ऑन द हॉर्स एंड फाइव मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट तो मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान से होते हुए जो सिंचाई का ताल है रिकेशन वाला वहाँ पर से वहाँ पर ले गया उसके बाद में उसने उसी पर बैठकर गड्ढे को भी पार किया तथा तो पाँच मिनट के बाद वो पानी से भीग करके अर्थात पारी से पूरी तरह से तरफ ड्रिपिंग वैट पूरी तरह से भीग करके लौटा द सन वाज कमिंग अप नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई साइड तो सूर्य जो था वो आकाश में ऊपर आ चुका था अब सवारी करने की बारी मेरी है मैंने उससे कहा ऐसा माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स मेरा कज़िन मुराद घोड़े से उतर गया राइड ही साइड उसने कहा ठीक है कर लो सवारी आई लेफ्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुलियर इमेजिनेबल द हॉर्स डिड नाट मूव तो मैं घोड़े की पीठ पर उछल करके बैठ गया और एक क्षण के लिए तो थोड़ा सा भयभीत भी हो गया मैंने महसूस किया थोड़ा भय महसूस किया घोड़ा मूव नहीं किया मीन्स टस से मस बिल्कुल भी नहीं हुआ किक इन टू द इन टू हिज मसल्स माई कज़िन मुराद सेड वाट आर यू वेटिंग फॉर तो उसने कहा कि इसकी जो मसल्स हैं उनमें ठोकर मारो है किस बात का इंतज़ार कर रहे हो तो मैं किस बार का इंतजार करना है वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट कहने लगा कि इससे पहले कि सब जग जाए इधर उधर घूमने लगे उससे पहले तो हमें घोड़ा वापस भी करना है आई एक दिन तू द ऑफ द हॉर्स तो मैंने उसको एड़ लगाई वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड तो एक बार फिर एक बार फिर से वह पीछे हटा और स्नौट घुर्राया फुफकारा देन इट बिगेन टू रन इसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया आई डोंट नो वाट टू डू मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था of running ऑफ the द फील्ड टू irrigation डिच द हॉर्स ran डाउन द रोड टू the यार्ड ऑफ डिकारन हेलेबियन वे where इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स तो तो क्या हुआ कि खेतों को पार करके सिंचाई के ताल की ओर ले जाने की बजाय क्या हुआ घोड़ा सड़क पर जो बेकरन हल हलविन के अंगूर के बाग में पहुंच गया उसके बाग में पहुंच गया वो सीधा सीधा डिकारन के में वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स हैं जहां इसने अंगूरों की वेल को कुचलना शुरू कर दिया उनके ऊपर उछल कूद मचानी शुरू कर दी द हॉर्स लेफ्ड ओवर सेवन वाइन्स बिफोर आई फेल और इससे पहले कि मैं गिरता है उसने सात बेलों को रौंद दिया बिल्कुल देन इट कंटिन्यूड रनिंग और फिर भी उसने दौड़ना जारी रखा माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द स्टोर मेरा जो भाई था मुराद वो दौड़ता हुआ सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आया आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही आउट वो चिल्ला बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता बिल्कुल नहीं है वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स हैं हमें तो सबसे पहले उस घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है घोड़े को पकड़ना बहुत ज़रूरी है यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे तुम इधर जाओ मैं उधर जाऊँगा इफ़ यू कम अपॉन हिम यदि तुम उसे पकड़ लो बी काइंडली आई विल बी नियर तो ध्यान रखना हैं मैं आसपास ही तुम्हारे पास रहूँगा हैं नम्रता से थोड़ी सी पेश आना मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टू वार्ड द इिगेशन डिच है तो मैं सड़क पर भाग करके चला और मुराद खेतों के पास जो सिंचाई का जो खाई थी ताल था उसकी ओर चला गया मुराद उधर चला गया इट्स टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम back। तो उसे इस घोड़े को खोजने में आधे आधा घंटा लग गया और उसे वो लेकर के आया ऑल राइट ही सेट जम्प ऑन उसने कहा चलो सब कुछ ठीक है अब आ जाओ इस पर सवार हो जाओ जम्प ऑन इस पर सवार हो जाओ उसने ऐसा कहा द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ अब हर एक कोई जग चुका है वट विल बी डू आई सेड मैंने कहा अब हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम मैंने उससे पूछा वेल ही सेड उसने कहा ठीक है वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टूमारो मॉर्निंग या तो हम इस लोग इसे वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक इसे कहीं छिपा देंगे उंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नोट टेक हिम बैक नोट टेक हिम बैक तो उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी और मैं जानता था कि वह इसे छिपा देगा वो इसको वापस नहीं देगा नॉट फॉर ए वाइल्ड एट एनी रेट बिल्कुल भी किसी कीमत पर कुछ बिल्कुल नहीं लौटाएगा वेयर विल भी हाइड आई से पूछा कि हम उसे छिपाएंगे कहा ऐसा तो बताओ आई नो ए प्लेसने कहा मुझे ऐसा स्थान पता है हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड मैंने पूछा कि तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले चुराया था कहां से चुराया था तुमने इस घोड़े को इट सडनली डोंड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड तो उसे ऐसा इस बात की याद आ गई हा? कि वह प्रातः कई दिन से इस पार घोड़ सवारी कर रहा था और मेरे पास तो वो केवल आज ही आया था क्यों क्योंकि वह जानता था कि मुझे सवारी करने में की कितनी अधिक इच्छा है कितनी अधिक अभिलाषा है मुझे सवारी करने की लॉन्ग इच्छा करना हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स ही सैड तो उसने कहा कि किसने कहा कि घोड़ा मैंने चुराया उसने इस बात को पूछा एनी हाउ आई सैड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग कि तुम कब से इस पर uh, प्रत्येक दिन सुबह सवारी कर रहे हो नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सैड तो उसने क्या कहा कि आज ही की है सवारी है मैंने सवारी आज ही की है इससे ज़्यादा नहीं की आर यू टेलिंग दैट प्रॉथ आई सेड मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो क्या तुम सच बोल रहे हो ऑफकोर्स नॉट ही सैड बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ वाट यू आर टू से तो बहुत चालक था उसने क्या किया कि नहीं सच नहीं बोल रहा हूँ बल्कि उसने कहा कि यदि हम पकड़े जाते हैं हाँ तो बस तुम्हें तुमको यही कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने आज से ही शुरू किया है आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑपर्स टू बी लायर्स मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों ही झूठे बन जाएँ ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग तुम्हें तो केवल इतना पता है कि आज ही हमने इस पर सवारी की है ऑल राइट आई साइडमैन का ठीक है ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डिजर्टेड वन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फैट वजियन तो वह घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े एक जगह में ले गया जो कभी एक किसान जिसका नाम जियान था उसका हुआ करता था और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है इसमें उस किसान का क्या नाम था फा फटवाजीन दे वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फा इन द बार तो उस बार्न में उस खाली जगह में केवल कुछ जई ऑट और बार्न जो एक तरह की जो अल्फा अल्फा एक तरह की घास होती है औट जई को बोलते हैं वो कुछ वहाँ पर पैदा होते थे वैसे किसान का वो था पूरी तरह से वी बिगेन बाकिंग होम अब हमने घर जाना शुरू कर दिया अर्थात हम वापस घर को लौट पड़े इट वॉज नॉट इजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली कहता है कि यह काम आसान नहीं था कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए ये बहुत आसान नहीं था एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड शुरू में तो ये घोड़ा बहुत ही बेलगाम दौड़ना चाहता था जंगली रूप में दौड़ना चाहता था बट एज आई हैव टोल्ड यू लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया है। कौन बोला इस बात को कौन बोल रहा था इस बात को मुराद आई हैव ए वे विद ए हॉर्स कि घोड़ों को काबू करना मुझे आता है आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनी थिंग आई वांट इट टू डू और एक बात और बताई उसने क्या कि मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ जो मैं चाहूँ वो करवा सकता हूँ हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी क्योंकि घोड़े मेरी बातों को समझते हैं हाउ डू यू डू इट आई सी एड मैंने पूछा कि तुम ऐसा कर कैसे लेते हो भाई ऐसा तुम कैसे कर लेते हो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड उसने कहा घोड़ों के साथ मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है एक समझ है यस yes, ठीक बट वाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सैड मैंने कहा पूछा कि किस प्रकार की समझ है बताओ तो सही ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड उसने कहा बहुत ही साधारण बहुत ही सरल ईमानदारी पूर्ण समझ है एक वेल आई सैड मैंने कहा ठीक है आई विस आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स कास मैं भी घोड़े से इस प्रकार की समझ बना पाता है कोई ऐसा समझौता कर पाता यू आर स्टिल स्मॉल हुआ तुम अभी बहुत छोटे हो ही सैड उसने कहा वैन यू गेट टू बी थर्टीन जब तुम तेरह वर्ष के हो जाओगे यू विल नो हाउ टू डू इट तुम तुम भी समझ जाओ कि ऐसा कैसे होता है कैसे कर सकते हैं हम अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो आई वेंट होम एंड एट ए हर्ट इफ ब्रेकफास्ट तो मैं घर गया और मैंने खूब पेट भर के नाश्ता किया दैट आफ्टरनून माई अंकल खसराव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट तो उस शाम को अंकल कौसरॉफ मेरे घर कॉफ़ी तथा सिगरेट पीने के लिए आए ही सेट इन दार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री तो वो हमारे पार्लर माने बैठक में हाँ, बैठ गई और बैठक में बैठ बैठ करके कॉफ़ी पीने लगे और सिगरेट पीने लगे और जो पुराना जो ग्रामीण क्षेत्र था ए उसके बारे में सोचने लगे उसको याद करने लगे देन एन विजिटर अराइव्ड तो उसके बाद एक और आगंतुक एक और व्यक्ति आए ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो किसान थे जिनका नाम जॉन बायरो था एन एसेरियन एक असेरियन थे वो हाँ एक जगह का नाम है असेरियन हु आउट ऑफ लॉनिनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन जिन्हों जिन्होंने अकेलेपन के कारण इस अर्मेनियन भाषा को बोलना सीख लिया था माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी तो मेरी माँ उस व्यक्ति के लिए कॉफ़ी और टैबो टोबैको और तम्बाकू लेकर के आई उस अकेले व्यक्ति के लिए एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक और फिर उन्होंने एक सिगरेट बनाई कॉफ़ी की चुस्की ली सिगरेट पी एंड देन एट लास्ट और अंत में साइंग सैड उदास होकर के बोला वो क्या बोला ही सैड My white horse, which was stolen last month, is still gone. कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले माह चोरी हो गया था पिछले महीने वो अभी तक नहीं मिल पाया है I cannot understand it. मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है My uncle खसरव became very irritated and shouted. तो मेरे अंकल खसरोव बहुत ही नाराज हो गए और चिल्लाए बहुत जोर से इट इज़ नो हार्म कोई बात नहीं है व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स घोड़े की घोड़े का भी कोई लॉस होता है घोड़े का भी खोना कुछ खोना होता है हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड क्या सभी ने हमने अपना घर नहीं खोया अपना स्वदेश नहीं खोया है हा? और व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों भाई ऐसा नहीं गलत है ये तो तो दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से जॉन सेड तो जॉन बायरो ने क्या कहा कि यह तुम्हारे लिए हो सकता है एक नगरवासी के लिए बट वाट ऑफ माई सरे ऐ सरे कहते हैं गाड़ी के लिए इसमें घोड़ा लगता है लेकिन मेरी उस गाड़ी का क्या होगा वाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स और बिना घोड़े के गाड़ी किस काम की पे नो अटेंसन टू इट माई अंकल खास रोअर्ड तो दहाड़ करके चिल्ला करके बोले कि नहीं कोई बात नहीं इस पर ध्यान मत दो आई वॉक टेन माइल्स टू गेट हियर जॉन सेड जॉन बायरों ने कहा कि आ, मैं दस मील पैदल चल करके के यहाँ पर आया हुआ हूँ यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरव साउट कहने लगा क्या होगा तो तुम्हारी टांगे हैं यू हैव लेग्स तुम्हारी टांगे तो हैं माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड तो किसान बोला कि मेरी बाई टांग में दर्द भी हो रहा है पे नो अटेंशन टू इट हाँ इस पर ध्यान मत दो माई अंकल खोसरॉव रोवर्ड खरोव इस बात को दहाड़ करके बोले दैट हॉर्स कॉस्ट मी सिक्सटी डॉलर्स द फार्मर सेट तो उसने कहा किसान ने कि उस घोड़े के मैंने साठ डॉलर दिए थे आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खसरोफ सेड तो अंकल कहते हैं कि मैं पैसे पर तो मैं स्पिट करता हूँ थूकता हूँ ही अप एंड स्टॉकड आउट ऑफ द हाउस वह उठ खड़े हुए और घर से बाहर निकल गए स्टॉक कहते हैं जल्दी जल्दी चलने के लिए लंबे लंबे डग भरते हुए स्लैमिंग द स्क्रीन डोर है और जो पर्दे का दरवाजा था उसको तेजी से बंद करते हुए निकल गए माई मदर एक्सप्लेनड अब मेरी माँ ने आकर के मामला साफ किया ही हैज़ ए जेंटल हार्ट सी सेड माँ ने बताया कि उनका जो हार्ट है बहुत ही जेंटल है बहुत ही अच्छे हैं वो इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन है केवल बात क्या है बहुत साधारण सी है कि उन्हें घर की याद सताती है और वह लंबे चौड़े व्यक्ति हैं होम घर में रहने वाले को बोलते हैं होम द फार्मर वेंट अवे किसान चला गया एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस और मैं अब दौड़ करके अपने कजिन मुराद के घर पर पहुंच गया दौड़ करके ही वाज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच तो वह एक आलू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और एक छोटे रॉबिन पक्षी के जो चोट खाया हुआ पंख था उसकी मरम्मत कर रहा था ही वॉज टॉकिंग टू बर्ड पक्षी से ही बात कर रहा था व्हाट इज इट ही सैड उसने पूछा क्या बात है ए फार्मर जॉन बायरो आई सैड मैंने कहा एक फार्मर जिसका नाम जॉन बायरो था ही विजिटेड अवर हाउस वो हमारे घर आया था हॉर्स उसे अपने घोड़ा चाहिए यू हैड इट ए मंथ है तुमने एक महीने से उसको रख रखा है आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटेल आई लर्न एट टू राइड लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक इस बात का वचन दो कि घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख लेता हूँ इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़िन मुराद सैड तो मुराद बोला कि तुम्हें तो इसे सीखने में कम से कम एक वर्ष लग जाएगा इसको सीखने में उसने कहा वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सेड तो मैंने कहा क्या हुआ हम एक साल तक घोड़े को रख लेंगे माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फूट मुराद उछल करके एक साथ खड़ा हो गया वॉट हीरो चिल्लाया क्या आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरागोलियन फैमिली टू स्टील है क्या तुम गैरागोलियन परिवार के व्यक्ति को हा? चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो द हॉर्स मस्ट गो बैक ऑफ इट्स ट्रू ऑनर ये घोड़ा जो इसका वास्तविक ऑनर है उसको पहुँचना ही चाहिए ठीक है वैन आई सेड मैंने कहा कब इन सिक्स मंथ एट एट द लेटेस्ट ही सेड तो उसने कहा कि अधिक से अधिक छ माह के अंदर तो पहुँच जाना चाहिए ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर उसने हवा में पक्षी को उछाला द बर्ड राइड हार्ड पक्षी ने भी काफ़ी मेहनत की कोशिश की ऑलमोस्ट फैल्टवाइस लगभग दो बार गिरा बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट लेकिन अंत में उड़ गया बिल्कुल ऊंचा और सीधा चला गया अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर टू वीक्स माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोल इट एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड एलोन लीव्ड ओवर क्रैप वाइन्स तो क्या कहता है वो कि हर प्रातः दो सप्ताह तक मुरादौर में घोड़े को उस वीरान जगह से निकालकर उसकी सवारी करते रहे और प्रत्येक सुबह घोड़ा जब मेरी अकेली सवारी करने की बारी होती थी तो अंगूरों की बेल पर उछल कूद करता हुआ मुझे गिराकर भाग जाता था हाँ? मुझे गिराकर वो भाग जाता था और लिखा ना स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी अवे एंड रैन अवे तो मुझे गिराकर भाग जाता था नेवर इतने पर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड है मुझे इस बात की आशा रहती थी कि कभी तो मैं भी मुराद की तरह घोड़ा घोड़ा घोड़े की सवारी करना सीख लूँगा वन मॉर्निंग एक दिन सुबह को ऑन द वे टू फटजावेंस डिजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज़ ऑन हिज वे टू टाउन तो एक दिन सुबह को जब हम फटवाजिन के जो वीरान पड़ा हुआ अंगूर का बगीचा था वहाँ जा रहे थे तो हमारी जो मुलाकात थी वो किसान जॉन बायरो से हो गई जो शहर की ओर जा रहा था उससे हमारी मुलाकात हुई लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सेट मेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे उससे लोग मैं बात कर लेता हूँ उससे आई हैव ए वे विद द फार्मर्स हैं किसानों से बात करने का भी हुनर मेरे अंदर है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेट टू द फार्मर तो से उसने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली तो उस किसान ने बड़ी उत्सुकता से घोड़े को देखा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड उसने कहा कि मेरे मित्र के बेटे गुड मॉर्निंग वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है माई हार्ट माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन तो मेरा भाई मुराद आर्मेनियन भाषा में बोला कि इसका नाम है माई हर्ट मेरा दिल ये तो मेरा दिल है ए लवली नेम जॉन सेड फॉर ए लवली हॉर्स अच्छे घोड़े का बहुत ही अच्छा नाम है बहुत ही बढ़िया नाम है आई कुड सीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो है और इस बात को क्या कहता कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व पहले चुरा लिया गया था कुछ सप्ताह पहले चुराया गया था मैं लुक इन टू हिज माउथ क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ खुल करके ऑफ कोर्स मुराद सेड मुराद ने कहा क्यों नहीं बिल्कुल देख सकते हो द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स तो उसके सामने एक घोड़े के मुंह को देखा टूथ फॉर टूथ ही सेड एकदम दांत भी वही है उसने कहा टूथ फॉर टूथ आई वुड सी इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डेंट नो योर पेरेंट्स कहता कि यदि मैं तुम्हारे पिता को माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा करके बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा ही है बिल्कुल कसम से बोल सकता हूँ इस बात को कसम खा करके बता सकता हूँ द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी तुम्हारे जो परिवार की जो प्रसिद्ध है प्रसिद्धि है किसकी वजह से ईमानदारी की वजह से उससे उससे मैं भली भांति परिचित हूँ यट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स ऐसा भी हो सकता है कि ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है कहने का मतलब उसका जुड़वा भी हो सकता है ए सस्पीशियन मैन वुड बिलीव हिज आइज इन स्टीड ऑफ हिज हार्ट और एक जो सस्पिशियस मैन होता है जो हमेशा शक करने वाला होता है वह व्यक्ति ही अपनी आंख पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा अधिक विश्वास कर सकता है गुड डे माई यंग फ्रेंड्स आपका दिन शुभ हो मेरे युवा मित्रों गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद सेड तो मेरे भाई मुराद ने कहा कि ठीक है जॉन बायरो गुड डे अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन तो दूसरी प्रातः तड़के ही सुबह को ही हम घोड़े को जॉन वायरा के बगीचे में ले गए एंड पुट इट इन द बार और उसको खाली जगह पर बांध दिया बंजर जगह पर द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड तो कुत्तों ने बिना भोंके ही हमारा पीछा किया बिना आवाज़ किए द डॉग्स आई विस्पार्ट टू माई कजिन मुराद हाँ मैंने अपने भाई मुराद से धीरे से कहा कि कुत्ते बहुत धीरे से बोला आई थॉट दे वुड बार्क और मैंने सोचा था कि वो भोंकेंगे दे वुड एट समबडीज एल्स ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स कहता है कि किसी और पर भोंकते कुत्तों के साथ भी मेरा बात करने का अलग तरीका है उसने ऐसा कहा माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे तो मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाल दी अपनी नाक घोड़े के नाक के जो ऊपर तो तो वो हैं, होते हैं नोस्टल्स होते हैं उन पर लगा दी और उसको पैट किया थपकी दी और फिर हम लोग चले गए वहाँ से दैट आफ्टरनून जॉय वायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे उस दिन शाम को जॉन बायरो अपनी गाड़ी में हमारे घर आया अपनी गाड़ी में आया वो एंड सोड माई मदर द हॉर्स और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया दैट हैड मिन स्टोलन एंड रिटर्न जिसको चुरा लिया गया था और और उसको अब वापस कर दिया गया था आई डोंट नो वाट टू थिंक ही सैड कहता है मेरी समझ में कुछ नहीं है कि अब मैं क्या सोचूँ हाँ द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन एवर अब घोड़ा पहले से भी ज़्यादा मजबूत है बेटर टेम्पर टू पहले से उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया पहले से बेहतर हो गया है आई थिंक गॉड ईश्वर को धन्यवाद है माई अंकल खौसरोफ हु वाज इन द पार्लर बिकेम रिटेटेड तो मेरे खौसरोफ अंकल जो कि बैठक में बैठे हुए थे वो थोड़े से रिटेट हो गए चिड़ गए एंड साउट और चिल्लाने लगे क्वाइट मैन क्वाइट चुप हो जाओ बिल्कुल चुप रहो भले आदमी चुप हो जाओ योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न तुम्हारे घोड़े को लौटा दिया गया है वापस मिल गया है पे नो अटेंशन टू इट तो इस पर ध्यान तुम मत दो तो फ्रेंड्स गाइस ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो चुका है, है और मुझे ऐसा लगता है मैं भी ये महसूस करता हूँ आई फील इट सो दैट यू मस्ट हैव लर्न द मोर फ्रॉम द चैप्टर ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड